हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ मैं आई हूँ अपनी बहन के वहाँ। जैसे कि आपने देखा ही है मेरे पिछले व्लॉग में, आज है मेरे बहन के बेटे का बर्थडे और हम कर रहे हैं यहाँ नाश्ता। नाश्ते में बनाए हैं आलू सैंडविच। सोनी एंड मम्मी बना रही। सोनी क्या बना रही है? खीर। सोनी एंड मम्मी बना रहे हैं खीर। नहीं, मम्मी बना रही है रायता। अभी यहाँ बन गए हैं बड़े पूरी। खाएगी सब्जी बनी है? आलू टमाटर की सब्जी, शिमला मिर्च की सब्जी। और ये क्या है? दूध है। और यहाँ यहाँ बने हैं बड़े टेस्टी टेस्टी बड़े। और पंडित जी आ गए हैं। पूजा हो रही है हमारे यहाँ। मार्कंडे की पूजा होती है तो सुबह पूजा होती है। अभी दिन में 3 बजे से कीर्तन है, रात को बर्थडे होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पूजा हो रही है। यहाँ इन्होंने अभी इनका घर भी नया बना हुआ है। मंदिर का रूम इन्होंने अभी अलग निकाला हुआ है, मतलब अलग बनाया हुआ है। अभी तक तो पुराने मंदिर में करते थे पूजा, बट अभी नया मंदिर बनाया हुआ है तो आज वहाँ पर पूजा हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ हो रही है मार्कंडे की पूजा, जो हमारे यहाँ बच्चे के बर्थडे के दिन सुबह की जाती है। और जब तक बच्चे के जनेऊ नहीं हो जाता है तब तक ये पूजा हम करवाते हैं। बाहर कौन आया? कोई? बाबरे, इतना बड़ा पिटिया लगा दिया हमारे पंडित जी ने। पंडित जी ने पिटिया कितना बड़ा लगा दिया। और मैंने नहा लिया है, नहा के नाश्ता कर लिया है। और ये कपड़े मैंने वापस से पहन लिए हैं, क्योंकि भाई मैं कपड़े नहीं लेके आई थी चेंज करने के लिए सुबह। मैं सीधे दिन में पहनने के लिए सूट लेके आई हूँ, वो मैं मतलब दिन में पहनूंगी। सो मैं अभी चेंज करने के कोई कपड़े नहीं लाई हूँ, तो मैंने वापस से वही कपड़े पहन लिए जो मैंने रात को पहने थे। सो आप ये मत समझना कि मैंने नहाया नहीं है। नहा कर मैंने पंडित जी ने मेरी पिटिया भी लगा लिया, मतलब टीका कर दिया। यहाँ अनुजी बैठे हुए हैं, इनकी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मौका देख रहे हैं कि कब मुझे थोड़ा सोने को मिले। लेकिन इनको सोने के लिए नहीं मिल रहा है। और आज मेरी मौसी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मौसी। और ये हमारी ताई जी बैठी हुई है और यहाँ इन्होंने पानी गिरा दिया है सारा। बिस्तर गीला कर दिया। ओम जय अम्बरीश हरे। ओम पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम कमरों में घुमा सर्व घूमे लिया ठीक है। सर्व पवित्र पवित्र ओम अकाल मित्र हम सब जानना तुम संसार और कल रात हमने सोचा था कि हम डेकोरेशन करेंगे, बट कल रात बहुत ज्यादा लेट हो गया था और हम बहुत ज्यादा थक भी गए थे, इसलिए हमने रात डेकोरेशन कुछ भी नहीं किया। सो यहाँ मैं कर रही थी डेकोरेशन की तैयारी। बलून्स को मैं इस तरह से, जैसे मतलब बनाते हैं ये गेट जैसा, वैसा ही मैंने बनाने का कुछ सोचा था तो बन भी गया था। बट वही है कि बहुत मुश्किल हो रही थी इसे बनाने का, क्योंकि इसमें कुछ तार वगैरह की ज़रूरत होती है और मैं इसे धागे से बना रही थी। बट फिर भी बाद में ये बहुत सुंदर बन के आया था और जो भी था मतलब सब लोग ने काफ़ी तारीफ करी कि यार ये घर पे बड़ा अच्छा बना लिया है। और फिर यहाँ कीर्तन के लिए जो बुलाई थी कीर्तन मंडली, वो भी यहाँ आ गई थी। और इनमें जो सामने ये जो बात कर रही है, ये है मेरी ताऊ जी की बेटी जो यहीं पास में ही रहती हैं। तो शायद ये यहाँ किसी का मतलब मम्मी पापा का इंट्रोडक्शन करा रही थी किसी से। तो बस यहाँ तैयारी भी हो गई थी कीर्तन की। ठीक है,
हम हो गए यहाँ रेडी, क्योंकि अंदर कीर्तन हो रहे हैं, सो फटाफट हम भी रेडी हो गए। और ये है मेरा सोनी भी रेडी है, मौसी भी रेडी है। सोनी ने पहनी साड़ी और पिछौड़ा। अनु जी आप भी रेडी हो जाओ। अनु जी ने पहना कस्सा। और ये मेरे पापा से कब से कह रही हूँ भैया टी शर्ट चेंज कर लो, लेकिन ये घर के काम ही नहीं खत्म हो रहे इनके चेंज ही नहीं कर रहे। मोमबत्ती थे, लेकिन हमें रात भर नींद नहीं आई तो इसलिए अब बहुत नींद आ रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों के लिए गिफ्ट मैं देने के लिए क्या लेकर आए हैं। हाँ ऐसा ही है, पैक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए कुछ इस टाइप के आइटम बना रखे हैं, इसमें बच्चों के कुछ अच्छा मिनी फैन भी है, फैन भी रखा उसने छोटा, तो ऐसा कुछ बच्चों के लिए रखा है। इसमें माजा है और ओरियो केक चॉकलेट्स, ये वाला तो आप कोई भी ले लेना बेटा। हाँ और किसी के लिए ये बनाया है, मतलब सबके लिए ना अलग अलग, बच्चों के लिए अलग अलग बनाया। ये सिपर है, इसमें पेंसिल रबर का बॉक्स है, और ये है नहीं आपको, आपके लिए मौसी ये वाला गिफ्ट लाइए, बॉक्स लाइए। आप बड़े हो ना, बड़े तो बड़े बच्चों के लिए मौसी अलग लाइए, छोटे बच्चों के लिए अलग लाइए। आप ये लास्ट में मिलाएगा आपको, आपको यही चाहिए ना, यही चाहिए। कलर कौन सा है? कलर नहीं दिखेगा बेटा ऐसा, आपको कलर नहीं दिखेगा, पैक हो चुका है। हाँ इसमें आपका नाम लिखेंगे। हेलो और ये जो बैक में डेकोरेशन किया है बस यही वाले बलून्स मैंने बनाए थे, फिर मैंने किसी से बोलकर ये दीवार में इस तरह से लगवा दिए थे। बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सिंपल सोवर सा। और यहाँ बर्थडे की तैयारी भी हो गई थी केक वेक कटिंग करने की। अरे हैप्पी बर्थडे, पागल
करने। चलो फिर यहाँ सबने केक कटिंग के बाद एक एक करके फोटोज वगैरह क्लिक करवाई और उसके बाद केक और स्नैक्स सबको सर्व करवाए और साथ ही खाने की तैयारी भी हो गई थी। खाने का अरेंजमेंट छत पे किया था, सब लोग छत पे चले गए खाने के लिए। उसके बाद मैं छोटी लगती हूँ, मैं इससे छोटी लगती हूँ या बड़ी लगती हूँ? ये है मेरी बहन, ठीक है, इससे बड़ी लगती हूँ या छोटी? बड़ी लग रही हूँ मैं सच्ची? लेकिन मैं छोटी हूँ उससे। चलो फिर मेरे घर चलो, क्यों पता मैं ब्लॉग बना रही हूँ। हाँ मैं ब्लॉग बनाती हूँ। ये है आ जाओ बैठ। हाँ हाँ बोलो। फोटो क्लास करते हैं, वो नहीं है मेरे पास अभी, अभी तो मैं इससे ही बनाती हूँ। अच्छा? हाँ अब आप ठीक है। देखो हाँ तो आप गिफ्ट खोलेंगे, गिफ्ट सारू मैं ले लूँ आपके गिफ्ट सारे? खाना खा लो पहले, वो काश्वी। काश्वी, अच्छा काश्वी, काश्वी का नहीं, ये तो काश्वी ने दिया है आपकी फ्रेंड ने। अरे ये तो कपड़े हैं, ये तो आपके लिए कपड़े आए हैं, सुंदर कपड़े हैं बहुत। वाव कपड़े हैं, वाव। चलो बाकी डॉ लेके आओ, अपने सब खोलते हैं। चलो शाम जा रहे हैं फिर घर, फिर सब खोल के जाते हैं। हमको ना बहुत शौक है गिफ्ट खोलने का, हमें बहुत मजा आता है, बर्थडे से ज्यादा हमें गिफ्ट खोलने में मजा आता है। खा लो यार,
अब हम भी थक गए हैं सुबह से, बहुत नींद आ रही है, अब बस अब घर जाते हैं। और बाकी आज बहुत ज्यादा थक गए यार, दिन भर बहुत हालत खराब हो गई, बहुत नींद आ रही है। कौन गुप्ता जी, ले आओ ना खाना, जाओ। अरे यार ले आ रहे नहीं, वैसे मम्मी खा लेते हैं यार यहीं पे, प्लेट लगा के ना यहीं पे मंगा लो, यहीं पे खा लेते हैं। हाँ मैं देखा ही ऊपर का माहौल, माहौल खाली है, कुछ नहीं है, खाना पीना ही लगा है बस, और क्या माहौल है ऊपर। ये हमारा खाना भी आ गया है यहाँ, ये रायता लाए हो, ये रायता है, मुझे रायता पीने का दे दो, मुझे रायता ही पीने का मन कर रहा है बस। थैंक यू। और खाने में दाल मखनी है, पनीर है, पापड़ है, पापड़ है, रोटी है, रायता, ये क्या है, अच्छा रायता, चावल, छोले और गुलाब जामुन है। और मेरा तो खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मैं बस रायता पी रही हूँ, मैंने अपने रायता मंगा रखा है। और मौसी और ताई एक एक रोटी खाएंगे, भूख नहीं लग रही कह रहे। सारो ऐसे गेट खुला, सारो ऊपर भाग रहे ऊपर, कोई बात नहीं, चलो अब हम जाते हैं घर। और आज का ब्लॉग मैं यहीं खत्म करती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।